1961 में सोवियत संघ ने अब तक का परीक्षण किया गया सबसे बड़ा परमाणु बम गिराया। ज़ार नाम का यह एटम बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3800 गुना अधिक शक्तिशाली था, जिसके डेटोनेशन फ्लैश को 1000 किलोमीटर दूर से देखा गया। हालांकि इस परीक्षण में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, मगर धमाका इतना जोरदार था कि 772 किलोमीटर दूर स्थित घरों की खिड़कियां चटक गईं, जबकि एक्सप्लोजन से निकली सिस्मिक वेव्स ने पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाया और एक मशरूम क्लाउड क्रिएट किया जो 67 किलोमीटर ऊंचा और 94 किलोमीटर चौड़ा था। जी हां गाइस, 1961 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच सोवियत ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सोवियत फिजिसिस्ट एंड्रे सखारोव की लीडरशिप में इस बॉम्ब को डेवलप किया गया, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगाटन्स थी, मगर इस तरह के विस्फोटक परीक्षण के लिए बहुत खतरनाक माने जाते थे, इसलिए इसे 50 मेगाटन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए संशोधित किया गया। साथ ही सार को कैरी करने के लिए TU-95 बॉम्बर को भी मॉडिफाई किया गया, जो 30 अक्टूबर 1961 को कोला पेनेंसुला से बॉम्ब लेकर उड़ता है और नोवाया चमेलिया आइलैंड के करीब टेस्ट साइट पर ड्रॉप कर देता है।